क्यों मारा पवन सिंह ने अपनी ही हीरोइन को थप्पड़। जी हाँ, पवन सिंह का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग कल आने वाला है। डॉक्टर साहब ने मना किया है और इस गाने में बड़ा ही नोक झोंक वाला गाना है ये, और इसी गाने में पवन सिंह ने अपनी हीरोइन को जड़ दिया है एक तमाचा। लेकिन वो तमाचा बड़े प्यार से है, क्योंकि हीरोइन भी मारती है पवन सिंह को थप्पड़ और बदले में पवन सिंह भी उसे मारते हैं थप्पड़। वैसे ये गाना एक नोकझोंक वाला गाना है, रूठने और मनाने वाला गाना है। वैसे जिन लोगों ने पवन सिंह से ये एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि पवन अब हर एक सॉन्ग में कुछ नया करने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपकी बुरी नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपकी सबसे खरी है। क्योंकि पवन इस सॉन्ग में बहुत ही ज़बरदस्त कुछ करने वाले हैं नया। और जो लोग इस सॉन्ग के ट्रीज़र को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि पवन सिंह फिर से वही अश्लीलता वाला चीज़ दोहराने वाले हैं, तो आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पवन सिंह की तरफ से ही कहा गया है कि वो अब भोजपुरी में ऐसे कोई सॉन्ग लाने की कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ लोगों को ये लगेगा कि ये अश्लील है। और तो और, पवन सिंह ने इस गाने में कुछ एकाध एक्सपेरिमेंट किए हैं नए लोकेशंस के साथ, जो कि बहुत कम भोजपुरी गानों में सुनने को मिलता है। और पवन सिंह के फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि पवन ने अपने बोल बम गानों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो जितने भी उनके फैंस हैं, जो भी इस बार बोल बम में पवन सिंह के गानों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भाई अब पवन बहुत अच्छे अच्छे गाने लेकर आएंगे। क्योंकि पिछला साल तो पवन सिंह मस्त थे, बाबा की मस्ती में दीवाने हुए फिर रहे थे, तो इस बार भी वही हालात हैं। और पिछले साल पवन सिंह ने जो रिकॉर्ड कायम किया था, उनका गाना बड़े ही कम समय में 50 मिलियन पहुंचा था वो सॉन्ग। और इसके लिए पवन सिंह ने भी इस बार ज़ोरदार तैयारी की है कि वो कम सॉन्ग लेकर आएंगे, लेकिन बेहतर सॉन्ग लेकर आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।